हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप Paytm का यूज़ करते हो तो ये खबर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि Paytm जो है अब बंद होने वाला है, यानी कि Paytm की कुछ सर्विसेज हैं वो यहाँ पर इफेक्ट होंगी, क्योंकि RBI ने कुछ सख्त रुख अपनाया है Paytm को लेकर, जो कि उसमें कुछ खामियाँ थी उसको लेकर। तो यहाँ पर Paytm की कुछ सर्विसेज हैं जो कि इफेक्ट में आने वाली है और उन पर वर्क नहीं किया जा सकेगा 29 फरवरी के बाद। तो आप अगर चाहते हो कि आपका काम वैसे ही चलता रहे, आपको पेमेंट्स मिलती रहे और आप पेमेंट शेयर कर सकें, तो अगर आप चाहते हो ऐसा हो तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। अगर आप Paytm का यूज़ करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको सभी बातें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि अगर आप Paytm का यूज़ करते हैं तो Paytm 29 फरवरी के बाद से कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप किसी से कोई पेमेंट लेना चाहते हैं तो वो पेमेंट आपको Paytm में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि Paytm की कुछ सर्विसेज अफेक्ट होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप Paytm पेमेंट्स बैंक का यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप पेमेंट नहीं ले पाएंगे और कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर दिक्कत देंगी। तो मान लीजिए अगर आपके पास Paytm पेमेंट्स बैंक है, आप उसका यूज़ करते हो पेमेंट्स लेने के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने Paytm पेमेंट्स बैंक को जो UPI के थ्रू आपने किसी और एप्लीकेशन लिंक कर रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने फोन पे यूज करते हैं और आप फोन पे अपना Paytm पेमेंट्स बैंक लिंक करे हुए हैं प्राइमरी अकाउंट के तौर पे, तो वहां से इसे हटा देना है, क्योंकि आपका पेमेंट फिर फोन पे नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना होगा इसे हटाने के लिए, और इसे हटा देंगे तो फिर पेमेंट आपको कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, वो सारी चीजें मैं अब आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपना Paytm पेमेंट्स बैंक फोन पे से लिंक किया हुआ है तो उसे हटाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन पे अकाउंट पे जाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा जो है फोन पे अकाउंट है, तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे Paytm पेमेंट्स बैंक जो है मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है प्राइमरी अकाउंट के तौर पे। तो सबसे पहले मुझे इसे क्या करना है, इसे हटा देना है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ आपको UPI IDs यहाँ पे दिखाई देंगी मेरी। तो इसे हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अनलिंक बैंक अकाउंट। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपसे एक वेरीफाई के लिए पूछेगा, तो आपको अनलिंक पे क्लिक कर देना है और आपका जो अकाउंट है यहाँ से अनलिंक कर देना है, यानी हटा देना है। जिससे क्या होगा कि आपके जो भी पेमेंट्स हैं अब Paytm पेमेंट्स बैंक में नहीं जाएंगे। जो भी आपका कोई दोस्त हो या फिर किसी से आप पेमेंट लेना चाहते हैं, वो आपके फ़ोन पे अकाउंट पे जब पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना बैंक यहाँ से हटा दिया, जो कि Paytm पेमेंट्स बैंक था पहले। बट आपको पेमेंट्स तो चाहिए होंगे, तो पेमेंट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका दूसरा बैंक किसी और बैंक को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास और कोई बैंक है तो वो इसे यहाँ पे लिंक कर दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो अपना कोई और बैंक ओपन करके उसे यहाँ से लिंक करिए। लिंक करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें वो आप समझ लीजिए कि जो भी बैंक को आप लिंक करना चाहते हो उससे जो नंबर लिंक्ड है, यानी कि जो नंबर आपके उस बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, वो एक्टिव होना चाहिए और वो आपके उसी फ़ोन में या उसी डिवाइस में होना चाहिए जिसमें कि आप फ़ोन पे का यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरे इस फ़ोन में वो सिम पहले से लगी हुई है, तो मैं अपने जिस बैंक अकाउंट को यहाँ से लिंक करूँगा उसकी सिम मेरे इस फ़ोन में लगी हुई है। वो इसीलिए आपको चाहिए क्योंकि वो वेरीफाई करता है कि वो डिवाइस आपके पास है, वो नंबर आपके पास है या नहीं है। तो Paytm पेमेंट्स बैंक का जो अकाउंट डिटेल यहाँ से हटाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका नंबर जो है आपके डिवाइस में अभी जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे दिखा हुआ दिखाई देगा, और लिखा हुआ दिखाई देगा कि सेलेक्ट अ बैंक लिंक्ड विद, मतलब दिस नंबर से जो भी बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सारे बैंक आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई देंगे। अगर आपका बैंक यहाँ पे सर्च में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप टाइप करके भी उसे सर्च कर सकते हैं उसके नाम से। तो यहाँ पे जो मेनली बैंक हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, Paytm, HDFC, ICICI, ये जो भी बैंक है बड़े बड़े वो यहाँ पे टॉप में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो बैंक है वो SBI में है, तो SBI के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये मेरा बैंक अकाउंट ढूंढेगा कि इस नंबर से जुड़ा हुआ है या नहीं कोई सा बैंक। तो यहाँ पे मेरे जो अकाउंट है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक अकाउंट मेरा पहले का था जो कि बंद हो चुका है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मेरा दूसरा बैंक जो है वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि मेरे SBI में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे जो भी बैंक मेरा जुड़ा हुआ है ना उसको मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा ये वाला बैंक जुड़ा हुआ है तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे मैं इसको प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक कर दूंगा, जिससे कि मेरा ये बैंक यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मेरा ये जो बैंक है यहाँ पे देखिए जुड़ चुका है। तो वहाँ क्लिक करने के बाद मेरा जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे जुड़ चुका है। इसके अलावा मेरा जो सेकेंडरी अकाउंट है जो कि मेरा बंद हो चुका है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे इनएक्टिव दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बैंक अकाउंट मेरा बंद हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इनएक्टिव लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मेरा ये बैंक अकाउंट बंद हो चुका है और मेरा जो दूसरा बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से मैं इसे अनलिंक कर दूंगा और मेरा जो दूसरा बैंक अकाउंट जो कि एक्टिव है अभी वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जितने भी बैंक अकाउंट अगर उस बैंक से आपके जुड़े हुए हैं उस नंबर से, तो वो सारे यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, बट आपको जो नहीं चाहिए वो अनलिंक कर दीजिएगा और जो चाहिए उसे एक्टिव रहने दीजिएगा। तो ये चीज़ करने से आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब जो भी पेमेंट आपको कोई करेगा तो वो आपके इस बैंक अकाउंट में जाएगी यूपीआई के थ्रू। तो ईजिली आप अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक हटा सकते हो और अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और आपको करनी पड़ेगी, वो ये है कि अपना यूपीआई हैंडल यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप 3-4 तरह के यूपीआई हैंडल बना सकते हैं, जिससे कि आपका पेमेंट कभी अगर किसी रीज़न से डिक्लाइन हो जाता है यानी कैंसिल हो जाता है तो वो चीज़ यहाँ पे ना हो। तो वो चीज़ यहाँ पे करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3-4 यूपीआई आईडी बनानी है। तो यहाँ पे आपको कुछ यूपीआई आईडी यहाँ पे डिफॉल्ट दिखाई देंगी, तो यहाँ पे आपको उसे एक्टिव कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है, तो मैं इन दोनों को एक्टिव कर लेता हूँ कि किसी भी रीज़न की वजह से, टेक्निकल रीज़न की वजह से कभी आपका कोई जो पेमेंट है वो कैंसिल ना हो और वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। डिफॉल्ट आईडी तो वैसे क्रिएट हो जाती है, बट यहां पे एक दो और आपको यूपीआई आईडी यहां पे क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने 3 यूपीआई आईडी बना ली है। इसके अलावा भी आप चाहो तो यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके डिफॉल्ट यूपीआई आईडी और अपनी बना सकते हो, आपकी पसंद से जो भी आप यहाँ पे डिटेल डालना चाहो, जो आपको याद रहे कभी, तो वो चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। अपना बैंक अकाउंट बैलेंस वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हो। यूपीआई का पिन है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 6 अंकों का जो आप डालना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो और आपका बैंक अकाउंट जो पहले ऐड था वो हट जाएगा और नया बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो भी आप चाहते हो। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जो भी पैसा है अगर आप उसे यूज़ नहीं करते हो 29 तारीख के बाद तक भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पेमेंट आप बाद में यूज़ कर सकते हो रिचार्ज के लिए या फिर किसी को भी अगर सेंड करना चाहते हो किसी बैंक अकाउंट में तो वो आप सेंड कर सकते हो, बट आपका जो पेमेंट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए आपका जो क्यूआर कोड होता है जैसे कि दुकानों में होता है लोगों के पास, तो उस पर भी जो वो पेमेंट लेते हैं वो भी पेमेंट उनको अब नहीं मिल पाएगी 29 फरवरी के बाद। तो 29 फरवरी से पहले पहले आपको ये चीज़ कर देनी है कि अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपने जिस भी क्यूआर कोड से लिंक कर रखा है पेमेंट्स लेने के लिए वो वहाँ से हटा के दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। अगर आपके पास कोई और बैंक नहीं है तो बैंक अकाउंट ओपन करके फिर उसको यहाँ पे लिंक कर सकते हो। अगर आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है या समझने में दिक्कत आ रही है या फिर चेंज करने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की, और मुझे लगेगा कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि आपको YouTube पर आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।